दो तरह की कैटेगरी के स्टूडेंट आते हैं। एक वो टॉपर होते हैं जिनका टारगेट होता है 90% से ऊपर लाना, दूसरे टॉपर इस तरह के होते हैं कि 95% से ऊपर लाना। देखो बोर्ड एग्जाम में अगर आप आंसर लिखने जा रहे हो ना, आंसर के बीच में गैप जरूर देना। आपके पैसों से ही शीट उन्होंने मंगवाई है, जो आप एग्जामिनेशन फीस देते हो ना उसी से आपको एग्जाम शीट मिलती है, तो उसको खुले दिल से भरो, कोई इसमें कंजूसी मत करो। अरे भाई 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, उसको क्यों आप 50-60 वर्ड में लिख रही हो? 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, 20-30 वर्ड में लिखो। 15 वर्ड में भी अगर आप उस क्वेश्चन का आंसर लिखोगे तो आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। हाय एवरीबॉडी, दिस इज गर महाजन एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल कंबाइन एजुकेशन। स्वागत है आप सभी का एक और स्पेशल एपिसोड में, जेके बोर्ड बोर्ड एग्जाम की प्रेपरेशन की ट्रिक्स को लेके। अगर आपका भी टारगेट है 90 और 95% के ऊपर लाने का, दो तरह की कैटेगरी के स्टूडेंट होते हैं जिनका टारगेट होता है 90 से ऊपर लाने का, 90 से 95 के बीच, और कुछ स्टूडेंट होते हैं जो होते हैं 95 से ऊपर ही लाने हैं। अगर आपका भी ये टारगेट है 2025 के बोर्ड एग्जाम के लिए, 15 फरवरी से आपकी बोर्ड की परीक्षाएं स्टार्ट है, 15 फरवरी से अभी 100 दिन भी नहीं बचे हैं आपकी बोर्ड एग्जाम की परीक्षा, तो अभी कड़ा इम्तिहान है आपका, प्रेपरेशन को नई दाद लगानी पड़ेगी आप सभी को। और अगर आपका भी टारगेट है 90% लाने हैं, 95% लाने हैं, तो आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, चीज है आंसर राइटिंग ट्रिक्स, आंसर राइटिंग। अब आंसर राइटिंग से हम क्या चीज समझते हैं, हमारा जो बेसिक ओवरव्यू आएगा आंसर राइटिंग को लेके, वो आएगा क्लियर हैंडराइटिंग होनी चाहिए, ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग होनी चाहिए, बड़े बड़े कलरफुल पेन से हमें लिखना पड़ेगा। हमारा ही पर्सपेक्टिव आता है आंसर राइटिंग को लेके, जो बिल्कुल ही गलत है। आंसर राइटिंग इज नॉट अबाउट द क्लियर लिखना, ब्यूटीफुल लिखना, कलरफुल लिखना। आंसर राइटिंग इज अबाउट फॉर्मेट के हिसाब से लिखना, वर्ड लिमिट के हिसाब से लिखना, उसके बाद एक बेटर वे में, एंगेजिंग वे में लिखना। अब सवाल ये आता है कि क्यों आंसर राइटिंग इतना जरूरी है? अगर हम बात करें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, उसके बाद ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं, 3 सब्जेक्ट जहां पे आंसर राइटिंग की जरूरत नहीं, खास पड़ती नहीं है। लेकिन अगर हम सब्जेक्ट की बात करें, इंग्लिश, हिंदी, एसएसटी के अंदर कई सारे सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेंगे जो 11th 12th की ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट है, लाइक पॉलिटिकल साइंस हो गया, सोशियोलॉजी होगी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट है जहां पे आपको आंसर राइटिंग की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। लेकिन क्यों क्यों आंसर राइटिंग की जरूरत पड़ती है? तो जब आप बोर्ड एग्जाम दोगे इस शीट पे, आप जिस तरह का आंसर लिखोगे उसी तरह के मार्क्स आपको मिलेंगे। जब ये आंसर शीट आपकी चेक होगी तो जो आंसर शीट आपकी चेक करेगा वो आपका रिलेटिव नहीं है, ना ही आपका दोस्त है, तो वो किस बेसिस पे आपको जज करेगा? उसको ये नहीं पता कि एक्स वाई एड लड़के की ये कॉपी आई है, ये इतना इंटेलिजेंट है, उसको ये नहीं पता लगेगा, वो आपको पर्सनली नहीं जानता, वो आपकी आंसर शीट को देख के आपको जज करेगा कि आपके पास नॉलेज कितनी है, प्रेजेंटेशन की स्किल कितनी है। तो आंसर राइटिंग इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज बन जाती है। अगर हम बात करें 90% लानी है या 95% के ऊपर लानी है, उसमें आंसर राइटिंग का क्या योगदान है? तो एक चीज क्लियर करूं, जेके बोर्ड का जो मेन फोकस रहता है, जेके बोर्ड का जो मेन फोकस रहता है वो रहता है थ्योरेटिकल पे, थ्योरेटिकल। सीबीएसई का जो मेन फोकस रहता है वो रहता है न्यूमेरिकल्स वगैरह पे, कॉम्पिटिटिव वे में ज्यादा उसका फोकस रहता है, लेकिन जेके बोर्ड का थ्योरेटिकल पे। जेके बोर्ड के एग्जाम में जो बंदा अच्छे तरीके से अपने आंसर को फ्रेम करके आएगा, जो बंदे के पास अच्छी आंसर राइटिंग टेक्निक होगी, वो 100% है कि इस वाले टर्म से भी ऊपर जाएगा और इस वाले टर्म से भी ऊपर जाएगा। तो चलिए करते हैं उन स्ट्रेटेजीज को जिसके कारण आप भी अपने आंसर को परफेक्ट वे में बना सकते हो। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आज की इस वीडियो में हम 6 ऐसी ट्रिक्स को समझने वाले हैं, 6 ऐसी स्ट्रेटेजीज को समझने वाले हैं
जिनसे आपकी आंसर राइटिंग को एक नई धार लगेगी, आपका आंसर एंगेजिंग लगेगा। अगर आपका आंसर एंगेजिंग लगेगा तो आपको बोर्ड एग्जाम में ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। वन बाय वन उन चीजों को समझेंगे कि क्या चीजें आपको अपने माइंड में लेके चलनी है आंसर राइटिंग को लेके। तो पहली चीज आती है वर्ड लिमिट। पहली चीज क्या आई? पहली चीज आई वर्ड लिमिट। दोस्तों मेरी बात सुनो, यहां पे बोर्ड एग्जाम जब आप देने जाओगे ना, वर्ड लिमिट का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। मैं आपको बता दूं, कई सारे लोग इस चीज को नजरअंदाज करके चले जाते हैं, लेकिन वन ऑफ द मोस्ट परफेक्ट थिंग जिसके साथ आपके मार्क्स बन सकते हैं वो है वर्ड लिमिट। अब वर्ड लिमिट से मार्क्स किस तरह से बनते हैं वो चीज समझते हैं। मान लो आपका आंसर है 2 मार्क्स का, आपका आंसर है 3 मार्क्स का, आपका आंसर है 4 मार्क्स का, आपका आंसर है 6 मार्क्स का, तो यहाँ की सभी की वर्ड लिमिट अलग आएगी। मेरी जान देखो, 2 मार्क्स का अगर आपको आंसर आ रहा है, 2 मार्क्स का अगर आपको क्वेश्चन आ रहा है, उसको सिर्फ और सिर्फ 20-30 वर्ड में बनाना है। 3 मार्क्स का अगर क्वेश्चन आ रहा है तो 60-70 वर्ड्स इज इनफ। 4 मार्क्स में आ रहा है तो 80-100 वर्ड्स बहुत है। 6 मार्क्स में अगर क्वेश्चन आ रहा है तो 120-150 वर्ड्स, और अगर 5 मार्क्स में आ रहा है तो 100-120 वर्ड्स, इतने में आपको अपने आंसर फ्रेम करने हैं। अब कई सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, वो कंफ्यूज हो जाते हैं। लाइक एक क्वेश्चन है, व्हाट इज एजेंडा 21, ये क्लास 12th के स्टूडेंट में भी है और क्लास 10th के स्टूडेंट्स में भी ये क्वेश्चन है। अब मोस्टली ये क्वेश्चन कहां देखा जाता है, ये देखा जाता है शॉर्ट आंसर में। जब आप गाइड उठाते हो तो शॉर्ट आंसर में व्हाट इज एजेंडा 21 देखा जाता है। अगर शॉर्ट आंसर में आया, जहां तो आएगा 3 मार्क्स में, जहां आएगा 4 मार्क्स में, तो आप जितना गाइड में दिया है उतना लिख सकते हो। लेकिन अगर इसको उन्होंने वेरी शॉर्ट में डाल दिया 2 मार्क्स में, फिर इसको थोड़ा कट करके लिखना है, जो इसकी सिर्फ मेन थीम है वही चीज आपको लिखनी है। अगर पूरा लिख दे तो क्या होगा? देखो मेरे जान, अगर आप 2 मार्क्स के क्वेश्चन में 120-150 वर्ड लिख रहे हो, अगर आप 2 मार्क्स के क्वेश्चन में 80-100 वर्ड लिख रहे हो, मार्क्स आपको 2 मिल जाएंगे, उसमें कोई चिंता नहीं है। लेकिन जो सामने वाला टीचर होगा वो कहेगा यार क्या ये पागल बच्चे, 2 मार्क्स के क्वेश्चन में इतने अपना एफर्ट लगा रहा है, और साथ ही साथ आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आप 80-100 वर्ड लिखने जाओगे, 5 मार्क्स के क्वेश्चन कब करोगे, 6 मार्क्स के क्वेश्चन कब करोगे? तो वर्ड लिमिट एक बड़ी अच्छी चीज है, इसको आप ध्यान में रखना। कोई भी आप एग्जाम देने जाओगे, आपका हिस्ट्री आ गया, इकोनॉमिक्स आ गया, SST आ गया, हिंदी आ गया, इंग्लिश आ गया, हर एक चीज की वर्ड लिमिट है। वर्ड लिमिट आपको ध्यान में रख के चलना, आपका बोर्ड एग्जाम परफेक्ट वे में जाएगा और एक भी क्वेश्चन आप छोड़ नहीं पाओगे अगर आप हर चीज वर्ड लिमिट के अकॉर्डिंग करोगे। क्योंकि बोर्ड वाले बेवकूफ नहीं है जिन्होंने वर्ड लिमिट दी है, उनको पता है कि अगर इस क्वेश्चन का आंसर इतने वर्ड्स में लिखा जाए तभी स्टूडेंट 3 घंटे में वो क्वेश्चन पेपर पूरा कर सकता है। वो बेवकूफ नहीं है जिन्होंने अपने ऑफिशियल नोटिफिकेशन में वर्ड लिमिट को मेंशन किया है। चलिए बात करते हैं दूसरी टेक्निक की। तो जो हमारी दूसरी स्ट्रेटेजी आती है आंसर राइटिंग को लेके, वो है फॉर्मेट। फॉर्मेट देखो, फॉर्मेट आपका 2 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए अलग बनेगा, 4 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए अलग बनेगा, 6 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए अलग बनेगा। यहां पर मैं कैटेगराइज कर रहा हूं, इसको वेरी शॉर्ट आंसर, इसको शॉर्ट आंसर, और इसको लॉन्ग आंसर। अब कई सारे आपके सब्जेक्ट होंगे या कई सारी ऐसी क्लासेस होगी, लाइक 10th क्लास आ गई, यहाँ पे शॉर्ट आंसर 3 मार्क्स में आएगा और लॉन्ग आंसर 5 मार्क्स में आएगा, तो उसको आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। लेकिन जस्ट मैं यहाँ पे फॉर्मेट बता रहा हूँ। फॉर्मेट में क्या करना है, अगर कोई 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है, अगर 2 मार्क्स के क्वेश्चन में डिफरेंस पूछा जा रहा है, लाइक आपसे डिफरेंस पूछ लिया, व्हाट एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन कॉनकेव लेंस एंड कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस के बीच में डिफरेंस दो, अगर 2 मार्क्स में क्वेश्चन आ रहा है तो आपको क्या करना है, जस्ट आंसर लिखना है कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस उसको एक्सप्लेन कर दो, फिर कॉन्वेक्स लेंस लिखो और उस चीज को एक्सप्लेन कर दो। यहां पे अगर डिफरेंस आता भी है तो आपको बीच में लाइन वगैरह नहीं देते। कहने का मीनिंग ये है कि अगर आपको वेरी शॉर्ट आंसर आ रहा है तो वो सिर्फ आपको स्टेटमेंट में लिखना है, वो सिर्फ आपको पैराग्राफ में लिखना है और 20-30 वर्ड में लिखना है। अब वह शॉर्ट आंसर,
शॉर्ट आंसर में अगर क्वेश्चन आ रहा है डिफरेंस बिटवीन कॉनकेव लेंस एंड कॉन्वेक्स लेंस, तो सीधा आप लिख दो द फॉलोइंग आर द मेन डिफरेंशियल पॉइंट्स बिटवीन द कॉनकेव लेंस एंड कॉन्वेक्स लेंस। फिर यहां पे कॉनकेव लिखो, यहां पे कॉन्वेक्स लिखो, और अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 3 डिफरेंस, और अगर 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 4 डिफरेंस आप दे सकते हो। उसके बाद अगर 6 मार्क्स में लॉन्ग आंसर में पूछा जाता है ये क्वेश्चन डिफरेंस बिटवीन कॉनकेव लेंस एंड कॉन्वेक्स लेंस, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, लेंस से क्या थोड़ा ओवरव्यू देना पड़ेगा कि लेंस होता क्या है, इसके कितने टाइप्स होती हैं। फिर आप ये चीज लिख सकते हो द फॉलोइंग आर द मेन पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन कॉनकेव लेंस एंड कॉन्वेक्स लेंस। उसके बाद 5 डिफरेंस आप यहाँ पे लिखोगे। कहने का मीनिंग ये है कि फॉर्मेट बड़ा जरूरी है। उसके बाद अगर हम बात करें लॉन्ग आंसर की, तो लॉन्ग आंसर का फॉर्मेट आपको किस तरह से बनाना है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन देनी है, इंट्रोडक्शन, लास्ट मिडल में आपको मेन थीम लिखनी है, और लास्ट में आपको कंक्लूजन लिखना है। लाइक ये जो डिफरेंस वाले क्वेश्चन की मैंने आपको एग्जांपल दी डिफरेंस बिटवीन कॉनकेव लेंस एंड कॉन्वेक्स लेंस, यहां पे क्या हुआ, हमने 6 मार्क्स में इसको बनाया, 5 मार्क्स में इसको बनाया। सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन दी, इंट्रोडक्शन में हमने क्या लिखा, लेंस के बारे में लिख दिया। फिर हम मेन थीम की तरफ गए, मेन थीम क्या थी, क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, डिफरेंस लिखना है, तो हमने मेन थीम यानी डिफरेंस शो करवा दिए, और लास्ट में कंक्लूजन हमें लिखना पड़ेगा। कंक्लूजन में ये लिख सकते हैं कि सो हियर इट इज, दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन द कॉनकेव लेंस एंड कॉन्वेक्स लेंस। कंक्लूजन जो है आपका 1-2 लाइन से ऊपर नहीं होना चाहिए। तो फॉर्मेट यही है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखनी है आपको लॉन्ग आंसर की, मेन थीम लिखनी है, कंक्लूजन लिखना है, और वेरी शॉर्ट में आपको सिर्फ एक्सप्लेन ही करना है, पैराग्राफ में लिखना है, अगर डिफरेंस भी आता है तो उसको भी डिफरेंस के जरिए नहीं लिखना, और शॉर्ट आंसर में डायरेक्ट आप क्वेश्चन के आंसर को स्टार्ट कर सकते हो ऊपर जस्ट थोड़ी सी हेडिंग देके। समझ में आ गई बात, जैसे आपको पूछ लिया गया एक क्वेश्चन है क्लास 10th की इकोनॉमिक्स में कि ऐसे कौन कौन सी फ्रूट है या ऐसे कौन कौन सी फसलें हैं जो जम्मू कश्मीर में उगती है, ये 4 मार्क्स में आएगा या 3 मार्क्स में शॉर्ट आंसर में, तो आप लिख सकते हो एक छोटी सी हेडिंग देके द फॉलोइंग आर द क्रॉप्स दैट आर ग्रोन इन द जम्मू एंड कश्मीर। उसके बाद किसी 3 क्रॉप्स को एक्सप्लेन कर देना, लाइक एप्पल आ गया, एप्रिकॉट आ गया, राइस आ गया, वीट आ गया, जो भी है वो गाइड में वगैरह दिया है, इस चीज से आप फॉर्मेट बना सकते हो। अब अगर हम बात करें अगला स्टेप जो हमें आंसर राइटिंग के लिए बड़ा जरूरी है, वो है आंसर की वर्डिंग। अब आंसर की वर्डिंग के क्या मतलब आया, वर्ड लिमिट वो तो हमने पहले डिस्कस कर ली। आंसर की वर्डिंग से मतलब आता है, देखो आपकी जो शीट है वो इस तरह से होगी, इस तरह की शीट पे आप बोर्ड एग्जाम देने जाओगे। यहाँ पे कई सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, यहाँ साइड पे आंसर लिखा आंसर नंबर 1 और इसके बाद स्टार्ट कर दिया अपना आंसर, जैसे ही आंसर खत्म हुआ यहाँ पे लिखा आंसर नंबर 2 और स्टार्ट कर दिया आंसर 2। ये भी ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन एंगेजिंग लगेगा अगर आप इस तरह से लिखोगे। ये आ गई आपकी बोर्ड एग्जाम की शीट, सबसे पहले आप सेंटर में आंसर नंबर 1 लिखो, उसको अंडरलाइन करो, फिर एक लाइन छोड़ के अपना आंसर जो है वो स्टार्ट करो। जैसे ही आंसर नंबर 1 कंप्लीट हो जाए एक लाइन छोड़ो, फिर सेंटर में आंसर नंबर 2 लिखो और उसको अंडरलाइन करो, और नीचे से अपना आंसर लिखना स्टार्ट करो, एंगेजिंग रहेगा। इससे ज्यादा ये चीज जो है वो एंगेजिंग है, काफी हेल्प मिलेगी आपको आंसर राइटिंग में। उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट स्ट्रेटेजी है वो है मार्जिन, मार्जिन आपको लगाना है, इस तरफ मार्जिन लगा होता है, यहां पे आपको मार्जिन लगाना पड़ेगा। मार्जिन लगाओगे तो आपकी जो शीट है वो एंगेजिंग वे में उस पर्सन के पास जाएगी जो आपका चेक करेगा, यानी ये आपकी एक एग्जाम की शीट है, यहां पे एक लाइन डली होती है, यहां पे आपने स्केल का यूज करके 1 सेंटीमीटर से यहां पे लाइन ड्रॉ करनी है, और ये जो सेंटर वाला एरिया आ रहा है इसमें आपने अपना आंसर फिल करना है। ये हमारी नेक्स्ट स्ट्रेटेजी थी कि मार्जिन लगाना है। मार्जिन से क्या होगा, आपकी जो शीट है वो एंगेजिंग लगेगी, और हमारा मेन मोटिव ही यही है बोर्ड एग्जाम में कि अपनी शीट को हम जितना एंगेजिंग बना लें उतना ज्यादा बेनिफिट हमें देखने को मिलेगा अपने रिजल्ट वाले दिन। तो ये हमने बात कर ली 4 स्ट्रेटेजीज की, वर्ड लिमिट, फॉर्मेट, आंसर की प्लेसिंग, मार्जिन, ये हमने बात कर ली 4 स्ट्रेटेजीज की। उसके बाद हमारी जो स्ट्रेटेजी आती है अपने आंसर को एंगेजिंग बनाने के लिए वो है गैप।
गैप जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि जब आपका एक आंसर कंप्लीट हो जाए ना, उसके बीच में गैप आपको देना है, मिनिमम दो लाइनों का आपको गैप जो है वो देना है, इतना ही रखना, मैक्सिमम भी दो, दो लाइनों का गैप आपको देना पड़ेगा, क्योंकि इससे क्या होगा जो आपकी कॉपी चेक करेगा ना उसको सामने पता लग जाएगा, अच्छा आंसर नंबर वन इसका इतनी जगह पे कंप्लीट हो रहा है, फिर दो लाइनें आपने छोड़ी होगी ना, फिर उसको पता लग जाएगा आंसर नंबर टू। कई बार क्या होता है, अगर हम लाइन नहीं ना छोड़े तो एग्जामिनर आंसर नंबर वन चेक करेगा, कई बार उसकी आंखों से ना आंसर नंबर टू ओझल ही हो जाएगा, मतलब उसको दिखाई ही नहीं देगा, जिसके कारण इस क्वेश्चन के आंसर के मार्क्स आपके काउंट ही नहीं होंगे। इसलिए सफिशियंट गैप छोड़ना है आपके, मतलब आपने पैसे भरे हैं भाई वहां पे, जब आपकी एग्जाम फीस जाती है ना तो उसी पैसे से वो आपको शीट देते हैं, आपने पैसे भरे हैं तो खुला यूज करो उस चीज का, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप जितनी चाहे उतनी शीट यूज कर सकते हो। तो ये एक हमारी स्ट्रेटेजी आती है, तो ये थी हमारी कुछ स्ट्रेटेजी जिसके कारण आप अपने आंसर को एंगेजिंग बना सकते हो, और अगर आपका आंसर एंगेजिंग होगा तो आपको बोर्ड एग्जाम में मार्क्स अच्छे मिल ही जाएंगे। सो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही, आई होप आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आप क्लास 8 का तो चलो खैर बोर्ड ही टूट गया, विंटर जोन में समर जोन का भी नोटिफिकेशन आ ही जाएगा, अगर आप क्लास 10th 11th 12th के स्टूडेंट हो बोर्ड एग्जाम के जेके बोर्ड के अंडर, तो यूट्यूब चैनल कॉम्बाइन एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन का बटन क्लिक करना, और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लो, शेयर करो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, और इन टेक्निक्स को जरूर अपनाना, आज से ही मेहनत करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि यार देखो 15 फरवरी से एग्जाम स्टार्ट है, 100 दिन भी नहीं बचा है, 3 महीने के आसपास का समय बचा है, तो जितना हो सके उतनी मेहनत करो, मॉडल पेपर रगड़ो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करो, और आंसर राइटिंग में एक दाद लगाओ, क्योंकि जेके बोर्ड बोर्ड एग्जाम्स में थ्योरेटिकल चीज आपको ज्यादा देखने को मिलेगी। सो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, सभी को राम राम जी, सनातन धर्म कीजिए।